गुड मॉर्निंग माई डियर लवली किड्स हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन किड्स टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश किड्स टूडे इन इंग्लिश आई विल टीच यू यूज़ ऑफ़ इज़ और बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश में इज़ और आर का यूज़ पढ़ाऊंगी किड्स टूडे इन इंग्लिश आई विल टीच यू वेयर वी हैव टू यूज़ इज़ एंड वेयर वी हैव टू यूज़ आर बच्चों आज मैं इंग्लिश में आपको यूज़ यूज ऑफ इज़ और आर का यूज़ बताऊंगी कि हमें इज़ और आर का यूज़ कहाँ करना चाहिए सो किड्स नाउ लेट स्टार्ट किड्स टुडे आई विल टीच यू यूज़ ऑफ़ इज़ और आर बच्चों आज मैं आपको यूज़ ऑफ इज़ और आर पढ़ाऊंगी किड्स द वर्ड इज़ इज़ यूज फॉर वन थिंग जो ये वर्ड है आई एस इज़ बच्चों क्या वर्ड है ये आई एस इज़ किसके बारे में पढ़ रहे पहले हम आई एस इज़ तो बच्चों द वर्ड इज़ इज़ यूज फॉर वन थिंग द वर्ड आई एस इज़ जो है वो यूज फॉर वन थिंग जो वर्ड इज़ होता है आई एस इज़ इसको हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ओनली फॉर वन थिंग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हम किस को यूज़ करते हैं आई एस इज़ एंड दर्ड आर अब हम किस की बात कर रहे हैं आर की आर इज़ यूज फॉर मैनी थिंग्स बच्चों ये ए आर ई आर है ये आई एस इज़ है ये जो ए आर ई आर है ये हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं मैनी थिंग्स माने बहुत सारी एंड आई एस इस किस के लिए यूज़ करते हैं ओनली वन थिंग के लिए सो किड्स वॉट वी आर स्टेडिंग टूडे यूज़ ऑफ़ इज़ और आर बच्चों हम इसका यूज़ जो करते हैं फॉर वन थिंग वी यूज़ इज़ फॉर वन थिंग जो वर्ड इज़ है इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं ओनली वन थिंग के लिए सिर्फ एक ही चीज़ के लिए एंड द वर्ड आर जो ए आर ई आर है इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए सो किड्स लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट आई एस इज़ और ए आर ई आर विद सम एग्ज़ाम्पल्स चलिए बच्चों इज़ और आर के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स से और समझते हैं सो किड्स फर्स्ट विल रिवाइज हम इसका वर्ड इज़ जो है ये वर्ड आई एस इज़ इसका यूज़ किसके साथ करते हैं सिर्फ वन थिंग के साथ यानी एक चीज़ के साथ और ए आर ई आर का यूज़ किसके साथ करते हैं मैनी थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों के साथ जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं ए आर ई आर का सो किट्स नाउ लेट्स लर्न विद सम एग्जाम्पल सो किट्स वॉट इज दिस दिस इज़ एरोप्लेन ये ओनली वन एरोप्लेन है क्या है ये ओनली वन एरोप्लेन है तो क्या लिखा है टी एच आई एस दिस आई एस इज ए एन एन ए आर ओ पी एल एन ई एरोप्लेन देखो बच्चों ये वन एरोप्लेन है तो इसके साथ हमने किसका यूज़ करा इसका दिस इज़ एन एरोप्लेन जो भी चीज़ें वन होती हैं एक होती इंडिविजुअली वन होती हैं उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं आई एस इसका तो हमने देखिए बच्चों एरोप्लेन के साथ किसका यूज़ करा आई एस इसका क्योंकि एरोप्लेन कितने हैं वन ओनली तो वर्ड आई एस इसका हम यूज़ किसके साथ करते हैं सिर्फ वन थिंग के साथ ये वन ही थिंग है इसलिए हमने इसके साथ किसका यूज़ करा आई एस इस नाव गेट्स वर्ड इज दिस दिस इज़ बैग दिस इज़ बैग सो वॉट इज इट इन टी एच ई टी दैट आई एस इज़ आर बी एच जी बैग देखिए बच्चों हमने यहाँ पर भी इसका यूज़ करा बच्चों हमने यहाँ पर इसका यूज़ क्यों करा क्योंकि एक ओनली वन थिंग है और हम वर्ड आई एस इसका यूज़ सिर्फ एक ही चीज़ के साथ करते हैं इसके साथ करते हैं सिर्फ़ एक ही चीज़ के साथ तो क्या लिखा है टी एच ई टी दैट आई एस इज आ बी ए जी बैग नाव किड्स वर्ड इज दिस इज़ डॉग और डॉग कितने हैं बच्चों वन और वन डॉग हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे आई एस इसका या ए आर ई आर का आई एस इसका आई एस इस वर्ड का यूज़ करेंगे हम इस वर्ड का यूज़ किसके साथ करते आई एस इस वर्ड का जो चीज़ें जब चीज़ें एक होती हैं वन होती हैं तो हम किस का यूज़ करते हैं आई एस इसका और जब चीज़ें बहुत सारी होती हैं तो हम किस का यूज़ करते ए आर ई आर का ओके किड्स नाव लेट्स वीड टी एच ई डा डी ओ जी डॉग आई एस इज़ एच ई आर ई हेयर बच्चों हमने यहाँ पर भी इसका यूज़ किया क्योंकि डॉग कितने हैं वन है ओनली तो द डॉग इज़ हेयर द डॉग इज हेयर इसका यूज़ बच्चों हम किसके साथ करते हैं ओनली वन थिंग किसके साथ ओनली वन थिंग के साथ नाव के इट्स लेट सी साम मोर एग्जाम्पल्स वॉट आर दीज डीज आर पैंस ये क्या है बच्चों पेंट्स अब ये वन टू थ्री तो बच्चों ये वन से ज़्यादा है कितने हैं ये वन से ज़्यादा है तो वन से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं ए आर वी आर और हम आई एस इसका यूज़ किसके साथ करते हैं ओनली वन थिंग के साथ द वर्ड आई एस इज़ इज़ यूज द वर्ड इज़ यूज फॉर वन थिंग जो इस वर्ड है वो किसके साथ यूज़ होता है एक चीज़ों के साथ ओनली वन थिंग के साथ एंड द वर्ड ए आर ई आर इज़ यूज फॉर मैनी थिंग्स तो बच्चों इसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं वन थिंग के साथ और आर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं मैनी थिंग्स के साथ और बच्चों यहाँ तो पेन्स क्या है मैनी है वन टू थ्री वन से तो ज़्यादा है तो हम इसके यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे आर का तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस क्या लिखा है टी एच ई दी एन एस पैंस जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो बच्चों क्या लगा देते हैं एस लगा देते हैं तो इन्होंने पैन की स्पेलिंग के साथ क्या लगा दिया एस द पैंस ए आर ई आर बी एल यू ई ब्लू देखिए बच्चों यहाँ इन्होंने आर लिखा है क्यों लिखा है क्योंकि ये वन से ज़्यादा है वन से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ए आर ई आर द पैंस आर ब्लू द पैंस आर ब्लू Now, kids let's see some more example. What are the who are these? These are boys. Who are these? These are boys. What they are doing? They are playing. वॉट they are doing? They are playing. अब बच्चे वन से ज़्यादा बॉयज हैं तो ये मैनी हो गए वन से ज़्यादा है तो क्या हो गया मैनी तो अब मैनी के साथ किसका यूज़ करते हैं ए आर ई आर तो चलिए बच्चों इसका सेंटेंस पढ़ते हैं टी एच ई वाई दे टी एच ई वाई दे ए आर ई आर देखिए बच्चों इन्होंने आर का यूज़ किया क्योंकि ये टू हैं वन टू और अगर वन होते तो हम किसका यूज़ करते आई एस इसका अगर वन होता तो हम किसका कौन से वर्ड का यूज़ करते आई एस इसका अभी वन थिंग नहीं है टू थिंग्स हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे ए आर वी आर का तो दे आर पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग तो ये दोनों क्या कर रहे हैं दे आर प्लेइंग हमने आर का यूज़ यहाँ पे क्यों किया क्योंकि ये वन से ज़्यादा है टू है वन टू नाउ सी अनदर एग्जाम्पल वन टू थ्री वट आर दीज दीज आर हैड्स हाउ मनीर थ्री मतलब एक से ज़्यादा है वन से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं आर का तो ए आर ई आर का यूज़ करेंगे तो चलिए सेंटेंस पढ़ते कि इन्होंने सेंटेंस में क्या यूज़ किए टी एच ई एस ई डीस दीस एच एच टी एस हैड्स ए आर ई आर वाई ई एल एल डब्ल्यू येलो दीज हैड्स आर येलो देखिए बच्चों इन्होंने यहाँ पे आर का यूज़ किया ए आर वी आर का क्योंकि ए आर यूज आर का यूज़ क्योंकि यहाँ पे हेड्स जो हैं वो वन टू एंड थ्री है मतलब वन से ज़्यादा तो वन से ज़्यादा के लिए किड्स हम क्या यूज़ करते हैं ए आर ई आर तो इन्होंने क्या लिखा दीज हेड्स आर येल्लो दीज हेड्स आर येल्लो सो किड्स वन सेकेंड वी विल रिवाइज वेयर वी यूज़ इज़ दर्ड इज़ इज़ यूज फॉर द वर्ड इज़ जो है वर्ड इज़ जो है वो यूज फॉर वन थिंग एंड द वर्ड आर यूज फॉर मैनी थिंगस मतलब जो इसका यूज़ होता है बच्चों वो हम किसके लिए करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए और ए आर ई आर का यूज़ किसके लिए करते हैं मैनी थिंग्स के लिए इसका यूज़ बच्चों किसके लिए करते हैं सिर्फ एक थिंग के लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए एक ही थिंग होनी चाहिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं आई एस इज़ और ए आर ई आर का यूज़ किसके लिए करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं ए आर ई आर का सो किड्स आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ इज़ और आर सो थैंक यू किड्स